हेलो चिल्ड्रन, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 3 की पोएम गुड मॉर्निंग को हिंदी में समझेंगे। क्या आपको सुबह सुबह जगना अच्छा लगता है? गुड। तो देखते हैं कि पोएम में जो बच्ची है वो सुबह उठकर क्या फील करती है। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंग्स दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। वह सुबह उठकर सभी को गुड मॉर्निंग करती है। गुड मॉर्निंग स्काई, आसमान को गुड मॉर्निंग करती है। गुड मॉर्निंग सन, सूरज को गुड मॉर्निंग करती है। गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, धीरे धीरे बहने वाली हवाओं को भी गुड मॉर्निंग करती है। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, पक्षियों को गुड मॉर्निंग करती है। गुड मॉर्निंग ट्रीज, पेड़ों को गुड मॉर्निंग करती है। एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज, जमीन से सटी हुई घास व भूरी मधुमक्खियों को गुड मॉर्निंग करती है। बाद में वो कहती है, हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे? हु टोल्ड यू दैट नाइट हैड गॉन अवे? आई वाइड अवेक, I'm up now too. I'll be right out to play with you. बाद में वो इनसे पूछती है, How did you find out it was day? तुम्हें कैसे पता कि दिन हो गया है? Who told you night had gone away? तुम्हें किसने बताया कि रात चली गई है? बाद में वो कहती है, I'm wide awake. मैं पूरी तरह जग चुकी हूं। I'm up now too. अब मैं उठ भी गई हूं। I'll be right out to play with you. मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूं। तो यह थी सुबह सुबह की फीलिंग इस बच्ची की। देखा कितना अच्छा लगता है इस बच्ची को सुबह सुबह उठना। मुझे भी अच्छा लगता है सुबह सुबह जल्दी जगना। आपको भी लगता है ना? गुड। अब हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स, क्रीपिंग, अवेक, गॉन अवे। क्रीपिंग मीनिंग ग्रोइंग अलोंग द ग्राउंड, मतलब जमीन से सटा हुआ। अवेक, वेक फ्रॉम स्लीप, मतलब नींद से जगना। गॉन अवे मीनिंग नो लॉन्गर प्रेजेंट, मतलब चला गया या चली गई। Thank you for watching. Subscribe to my channel. Goodbye.